अगली खबर जबलपुर से है, जहां जबलपुर के शासकीय महाकौशल कॉलेज में शनिवार 8 जनवरी से एमकॉम की परीक्षाएं आरंभ होने जा रही हैं। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने प्रदर्शन किया है और बढ़ते कोविड-19 संक्रमण के मामलों को देखते हुए परीक्षाएं स्थगित करने की मांग की है। NSUI का कहना है कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जब तक परीक्षाओं के संबंध में नया आदेश जारी नहीं किया जाता है, तब तक परीक्षाएं स्थगित रखनी चाहिए, क्योंकि कोविड-19 संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिसकी वजह से परीक्षार्थियों की सुरक्षा का सवाल सबसे बड़ा है। इसलिए NSIU ने मांग की है कि शासकीय महाकौशल कॉलेज प्रबंधन को परीक्षाएं स्थगित कर देनी चाहिए। इस संबंध में NSIU ने शासकीय महाकौशल कॉलेज प्रबंधन को ज्ञापन भी सौंपा है। बोले भैया, बताओ आज क्यों प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मांगे हैं? प्रदेश में प्रत्येक दिन जोड़े में कोरोना का एक केस बढ़ रहा है। कोरोना काल की इस विकट स्थिति में महाकौशल शासकीय महाकौशल कला बड़े महाविद्यालय में कल से होने जा रही MA MCOM की परीक्षाओं को लेकर जबलपुर NSUI द्वारा तत्काल धरना प्रदर्शन किया गया है। और प्रदर्शन के माध्यम से हम महाकौशल कॉलेज के प्रचार से ये मांग करते हैं कि छात्र छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते, कोरोना वैक्सीन की धीमी रफ्तार को ध्यान में रखते हुए और कॉलेज में छात्र छात्राओं के लिए पर्याप्त व्यवस्था ना होने के कारण परीक्षाओं को तत्काल स्थगित किया जाए। जब भी आने वाले समय में, जब भी कोरोना काल की जब सामान्य स्थिति हो, उसके बाद ही परीक्षा लिया जाए, या उच्च शिक्षा विभाग के जब दिशा निर्देश आए कि परीक्षाएं ऑनलाइन होनी है, ऑफलाइन होनी है, या जनरल प्रमोशन में होना है, इसके बाद ही परीक्षा को लिया जाए, हमारी ये मांग है। अन्यथा हम कॉलेज प्रशासन के खिलाफ कल धरना प्रदर्शन कंटिन्यू करके कल कॉलेज बंद कराएंगे, परीक्षाएं तत्काल स्थगित किया जाए। कोरोना चाल चल रहा है, ऐसे में आप लोग गैदरिंग कर रहे हैं, स्पष्ट कर दें आप क्या पूछना चाह रहे हैं उसके हम बोले। आज ये छात्रों का आंदोलन हो रहा है, परीक्षा जो है ऑनलाइन, ये आंदोलन नहीं है एक्चुअली, ये ज्ञापन सौंपने आए हैं ऐसा हमको पता चला। और ये ज्ञापन का उनका मुद्दा ये है कि कोरोना फैल रहा है तो हम लोगों की परीक्षाएं जैसे पिछले वर्षों में हुई हैं वैसी हों, लेकिन चूंकि शासन का जब तक कोई स्पष्ट निर्देश नहीं आता है तो हम लोग उनकी मर्जी से तो काम नहीं करेंगे। यदि शासन का निर्देश आएगा तो उसी के अनुसार परीक्षाएँ होंगी यथावत, नहीं तो अभी कल से हम लोग यहाँ परीक्षाएँ होने वाली हैं, लेकिन उसमें हम पूरे कोरोना के जो नियम हैं उनका पालन कर रहे हैं। विद्यार्थियों को भी मास्क लगाना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उनको बैठाया जाएगा। तो ये मतलब हम लोगों की बाकी कोरोना नियम जो है उनको पालन करते हुए परीक्षा होगी। क्या ये पॉसिबिलिटी है?